Hey, what's up guys, welcome back to another video. दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI की कुछ ऐसी थीम्स के बारे में जिसकी लॉक स्क्रीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और शायद आपका माइंड ब्लो भी करके रख दे, क्योंकि भाई मैंने जो चूज़ करी है ना इस बार थीम्स, सही में यार आप देख के उसे चौंकने वाले हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी थीम्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे जाके आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, लिंक्स मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ सब कुछ मिलने वाला है और वहाँ पे वीडियोस भी आने वाली है IGTV पे, तो ठीक है कर लो फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपके लेके आया हूँ दो थर्ड पार्टी, बिकॉज आप लोगों ने ही कहा था कि भाई थर्ड पार्टी की संख्या थोड़ी बढ़ा दो, तो भाई बढ़ा दी और थोड़ी अब ज़्यादा लाएंगे थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अब बात करते हैं थीम्स के बारे में। एज थर्ड पार्टी को अप्लाई करने का सोल्यूशन मिल चुका है, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा इंस्टाग्राम पे, टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, तो ठीक है फॉलो कर लेना। चलो थीम्स की बात करते हैं, यहाँ पर चल जाते हैं थीम्स के ऊपर। एंड जो फर्स्ट थीम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है एवेंजर्स 2.0। और जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें इस थीम के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि भाई ये थोड़ी पुरानी थीम है बट इसकी लॉक स्क्रीन जो है वो बहुत चली थी, मतलब बहुत ज़्यादा चली थी और बहुत लोगों को पसंद आई थी। अगर आपको याद हो एक थीम थी nice.tr, तो भाई वो जो थीम थी ये थीम उसकी कॉपी है बट इसमें एवेंजर स्टाइल है, तो भाई उस वजह से इसकी लॉक स्क्रीन बहुत चली थी और आप हर एक चीज़ को इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं और आपको थीम को दिखाते हैं। ये हो अप्लाई एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं होम स्क्रीन बहुत ही अमेजिंग है इसकी, विजेट से लेके वॉलपेपर हो गया, आइकन पैक हो गए, काफ़ी आपको एक फ़ोन को अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं। खास बार मेरे को वॉलपेपर इसका बहुत अच्छा लगा, तो एक सर्कुलर में इन्होंने सारे एवेंजर्स का जो है वेक्टर आर्ट दे रखा, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को अमेजिंग लगा। उसके बाद दोस्तों बात करें स्टेटस बार के बारे में या डायलर या सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो आपको बता दूँ ये थीम जो है वो MIUI 10 कंपेटेबल है, MIUI 11 कंपेटेबल नहीं है, दैट्स वाई आपको बाकी कुछ ही चीज देखने को नहीं मिलेगा सिवाय लॉक स्क्रीन के। दैट्स व्हाई मैंने थीम को चूज भी किया, बिकॉज लॉक स्क्रीन हमारा मेन टॉपिक है आज की इस वीडियो में। लॉक स्क्रीन को अगर हम देख ले तो भाई आपको कुछ टाइप की देखने को मिल जाती है कि एनिमेशन के साथ जो है आपकी लॉक स्क्रीन आती है। एंड यहाँ पे अगर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे लुक जो है वो आ जाएगा, और जिससे जाके आप अपनी हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, 24 आवर्स कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं, मतलब आपको हर जहाँ पे कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। सेटिंग में अगर आप चल जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं क्लॉक का, एंड यहाँ भी आपके सामने बहुत सारे वॉलपेपर्स आ जाएंगे, अपनी पसंद का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्लॉक की, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल AC का रिमोट लगता है, और यहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप वेदर देख सकते हैं, तो फुल कंट्रोल है आपका इस थीम के ऊपर। अप्लाई करिए, आनंद उठाइए, मज़े करिए। दोस्तों मैं भूल गया था लास्ट में एक और थीम है जो कि नॉन थर्ड पार्टी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। अब बात कर रहे थे दोस्तों अपनी सेकंड टीम के बारे में, तो जो सेकंड टीम है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका नेविगेशन बटन भी चेकआउट करा देता हूँ। स्टेटस बार चेंज नहीं है, नेविगेशन बटन भी चेंज होने मतलब नहीं है क्या, जैसे मैंने कहा था। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड टीम के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है डिस्कवरी। एंड भाई जिसको अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थीम है, मेरी पर्सनल फेवरेट थीम है ये भाई। जो इसकी लॉक स्क्रीन है ना, वो आप कहोगे भाई ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूचर में आ गए हैं, मतलब इतना कमाल का। तो इसलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ सच है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसका नेविगेशन बटन जो है वो चेंज देखने को मिलता है। एंड अगर आप पीछे वॉलपेपर देखें तो वो एक लाइव वॉलपेपर है, और साथ साथ जो बाइनरी कोड्स होते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मूव होते हुए दिखेंगे, लाइक आप सर्किट के अंदर प्रोग्रामिंग को लाइव देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को। उसके अलावा दोस्तों आइकन पैक भी इसकी पूरी तरह टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हर जगह फैली पड़ी है, मतलब बहुत ही क्या बोलूँ यार मैं, और बाइनरी डिजिट्स तो बहुत ही कमाल का लगता है। स्टेटस बार भी इन्होंने ब्लू दिया है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ टेक्नोलॉजी का कलर ब्लू है, तो दैट्स वाई हर चीज़ यहाँ पे आपको ब्लू देखने को मिलती है। सेटिंग मेन्यू अगर हम बात कर ले तो वो भी आपको ब्लू देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट डायलर, डायलर भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही देखने को मिल जाता है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के फ़ोन होंगे ना उस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद मेन चीज़ इस लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गई लॉक स्क्रीन, भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये, क्या है ये भाई। देखो बीच में आपको एक सेंटर क्लॉक आ रही है जो वर्ल्ड क्लॉक दिखाता है आपको, और काफ़ी टेक्नोलॉजी स्टाइल में यहाँ पे पूरा आपके ग्राफ वेदर सब कुछ आ रहा है, जिससे आप पूरा मतलब ऐसी तरह से आप कह सकते हैं कि हर चीज़, अगर आप स्पेसशिप में बैठे हैं तो स्पेसशिप का हर कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। भाई ये आपके फ़ोन को एक कमाल का लुक प्रोवाइड कराएगा, ज़रूर यूज़ करना है इसको,
और आप बैटरी भी देख सकते हैं, जो बैटरी होगी वो यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे वेदर वेदर की इन्फॉर्मेशन, पहले कुछ और था यहाँ पे, अभी कुछ और हो गया, मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी क्लॉक घूम रही है, मतलब हर एक चीज़ आपके फ़ोन की आपको दिखाता है, डाटा यूज्ड, मतलब फुल इन्फॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी लॉक स्क्रीन आपके लिए लेके आया हूँ। मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही मज़ा आ गया दोस्तों। अब हम अगली थीम की अगर बात कर ले तो वो दो है, वो थर्ड पार्टी थीम्स हैं, एंड दिस इज स्पेशल फॉर मार्वल फैंस, जिनको मार्वल बहुत अच्छा लगता है भाई लाइक मी, तो उनके लिए आपको थीम देखने को मिलती है। फर्स्ट थीम की अगर हम बात कर ले तो वो है, इसका नाम पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तो भाई इसे अप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लाइव वॉलपेपर, और जो थंडर है वो यहाँ पे आ रही है। वैसे इस थीम का नाम मैंने जहाँ पे पढ़ा था नंबर ट्रांसलेटेड में, तो उसमें दिखा रहा था कि थंडर स्ट्रॉम करके या फिर थॉर स्ट्रॉम करके, ऐसा कुछ नाम था, तो आपको इसमें देखने को मिलता है। और देख सकते हैं भाई आइकन्स बिल्कुल ऐसा लगता है थॉर है भाई, थंडर, और हर आइकन में आपको थंडर देखने को मिलती है, यहाँ तक कि विडजेट के अंदर एंड वॉलपेपर के अंदर भी आपको बिजली देखने को मिल जाती है। मतलब भाई क्या है थीम, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे समझ नहीं आती ये थीम इंडियन या ग्लोबल थीम स्टोर पर क्यों नहीं आती, ये चाइनीज थीम स्टोर में क्यों जाती है भाई। अब यहाँ बात करें स्टेटस बार के बारे में, तो दैट इज़ सेम, कोई चेंज नहीं है, डायल मेन्यू भी सेम है एंड सेटिंग्स भी थे सेम है आई थिंक। हाँ तो भाई इसमें मज़ेदार क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आइकन मज़ेदार है, सेकंड वॉच दिस, ये देखा भाई आपने, भाई साहब भाई क्या है ये भाई, इतना अमेजिंग, मैंने भाई मैं देख के चौंक गया था। एंड आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, आप पूरे पूरे सीन को देख सकते हैं। और भाई एनिमेशन दोबारा देखो यार, भाई जिसने बनाई है ना थीम भाई सैल्यूट है भाई आपको। तो भाई ये थी हमारी एक थीम, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थीम की तरफ, थीम में चल जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट थीम आपको देखने को मिलती है वो भी एक थर्ड पार्टी थीम है। अगर आपको पता हो थर्ड पार्टी थीम को कैसे अप्लाई करना है परमानेंटली, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज भाई वो हट ही जाती है सबको पता है, तो वरना देख लेना यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी आपको थर्ड पार्टी थीम को कैसे अप्लाई करना है परमानेंटली, अब देखिए कर लीजिए, वरना मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा। अब भाई ये जो थीम है ये भी स्पेशल है मार्वल फैंस के लिए, और ये बहुत ही अमेजिंग थीम है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स देख ही सकते हैं। एंड लेट्स अप्लाई, या तो भाई ये हो गई अप्लाई। और भाई अगर आप देख पा रहे हो इसके स्क्रीनशॉट्स, तो भाई ये MIUI 9 की थीम है जो फिलहाल हमारे फ़ोन में काम कर रही है। मतलब भाई मैं स्टेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ये थीम भी पुरानी है, बट आप देख सकते हैं इसका लाइव वॉलपेपर, अब इसको हटाते भाई सब हट जाते अपने आयरन मैन और ये वापस आ जाते हैं। भाई बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा कमाल की थीम है ये। और भाई कुछ होलोग्राफिक आपको इसमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको क्या कहते हैं आइकन्स भी काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाते हैं, विडजेट भी काफ़ी अच्छा है। लॉक स्क्रीन की अगर हम बात करें तो वॉच दिस एनिमेशन, वाइसा वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग। इधर स्वाइप करेंगे तो भाई आयरन मैन साहब ऊपर हो जाएंगे अपने, और यहाँ पे आपके सामने थोड़े कंट्रोल्स आ जाएंगे, नीचे करेंगे आयरन मैन आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैमरा, ऊपर से नीचे कुछ होता है ये देख सकते, ये मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है ना भाई बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को बहुत ज़्यादा। और ये एंटर का बटन दे रखा है, हाँ एंटर से आप इस स्पेस में एंटर हो जाएंगे जहाँ पे जाके आप हर चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ब्लूटूथ हो गया, और ये देख सकते हैं भाई साहब फुल टेक्सटाइल है भाई, फुल टेक्सटाइल, मज़ा आ गया इसको देख के मेरे को सही में यार। आप जरूर से बताना आपको थीम्स कैसी लगी, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एट द लास्ट हम बात करते हैं अपनी फाइनल एंड लास्ट थीम के बारे में दोस्तों, जिसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, जो है नीचे जाके जो फाइनल लास्ट थीम है उसका नाम है चेंज। और ये थीम मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, बट इसकी लॉक स्क्रीन बहुत अमेजिंग है, तो इस वीडियो में मेरे को डालनी थी ये थीम, क्योंकि भाई लॉक स्क्रीन वाली बेस्ट थीम वीडियो है आज की हमारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये जो थीम है बहुत ही अमेजिंग है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आइकन आप देख सकते हैं, इसके आइकन एनिमेटेड है शायद, सेटिंग मेन्यू बंद करा, हाँ जिसमें आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है आइकन्स के अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। स्टेटस बार भी आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जो भी मेरे को काफ़ी पसंद आया, बहुत ही कूल लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सेटिंग मेन्यू के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो चेंज, यहाँ पे ग्रेटिंग एंड आइकन्स में यहाँ पे पूरी तरह अलाइनमेंट को चेंज करा गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले डायल मेन्यू के बारे में, तो वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जिसमें ग्रेडियंट है पीछे नीचे बटन के अंदर कॉल वाले। अब लॉक स्क्रीन इज मेन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं आपका एनिमेशन के साथ एक वॉलपेपर आता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों अबे हट जा भाई, तो ये अगर आप डबल टैप करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपसे आप वॉलपेपर को चूज कर सकते हैं और वॉलपेपर आईडी रिफ्रेश कर सकते हैं, नए वॉलपेपर ला सकते हैं, टाइम स्टाइल डी स्टाइल फ्री एडजस्ट पलर वॉलपेपर हर चीज़ को आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड खुल गई आपकी, देखा मैं पूरी तरह से ला सकता हूँ इसे, मतलब कुछ भी कहीं भी कर सकता हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है भाई ये, हर चीज़ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, टिक करिए और आपकी क्लॉक बन गए। बाकी आप वॉलपेपर को ब्लर कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉक स्टाइल चूज कर सकते हैं,
और यहाँ पे भी आपको लॉक स्टील देखने को मिलता है। जब आपका काम हो जाए एक बार शायद डबल टैप से हट जाता है, पर फिलहाल हट नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्यों। और आप देख सकते हैं जो मैंने काम किया था वो कैसा हो गया है। तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग थी मैं सही में। और इसमें एक और फीचर भी है, जैसे यहाँ पे चल जाते हैं नीचे से इधर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरा पूरा कंट्रोल सेंटर आ जाता है, जो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही थी आज की थीम्स और आज की वीडियो। तो अगर आपको ये थीम्स और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस ना कर दें। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके और मस्ती कर सके। नहीं तो कर दो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड 40,000 का गोल है, देखते कब तक कंप्लीट होता है भाई। साथ रहा आपको तो बुझेगा जल्द जल्द करा दो तो मजा आ जाएगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।